हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सब विचारात्मक निबंध लेखन करेंगे। विषय है सेल्फी, सही या गलत। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं लेकर उपस्थित हूँ एक विचारात्मक निबंध। यह आज की एक ज्वलंत समस्या है, सेल्फी। यह कुछ एक लोग कहते हैं कि सेल्फी में क्या बुराई है, सेल्फी सही है। कुछ एक कहते हैं कि सेल्फी गलत है। तो हमारे निबंध का विषय भी वही है, सेल्फी सही या गलत। प्रश्न आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, सेल्फी सही या गलत, इस विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लेखन कीजिए। अब जैसे ही यह प्रश्न आपको एग्ज़ाम में मिला तो आपके मन में कुछ मुद्दे आ जाने चाहिए। सबसे पहले प्रस्तावना, प्रस्तावना में सेल्फी का परिचय दीजिए कि सेल्फी है क्या, लेते कैसे हैं। फिर सेल्फी का प्रभाव, उसकी लोकप्रियता की चर्चा कीजिए कि उसका कितना प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ रहा है। उसके बाद सेल्फी से लाभ और नुकसान, सेल्फी से क्या लाभ मिल रहा है, क्या फ़ायदा होता है, और सेल्फी लेने के चक्कर में कितनी हानियाँ उठानी पड़ रही हैं, और अंतिम है उपसंहार। तो अंतिम में कंक्लूजन निकालिए, निर्णय लीजिए सेल्फी लेना सही है या गलत है। इन मुद्दों को ध्यान में रखकर आप अपना निबंध लेखन शुरू करेंगे। तो परीक्षा में लिखते समय सबसे पहले उत्तर लिखिए, उसके बाद हेडिंग डालिए आप, सेल्फी सही या गलत, अंडरलाइन कीजिए, और उसके बाद आप अपने लेखन का कार्य कीजिए। उसमें उन मुद्दों की सहायता, जिन मुद्दों की चर्चा मैंने ऊपर की, उन मुद्दों की को ध्यान में रख करके आइए शुरुआत करते हैं। पैराग्राफ बना के, स्मार्टफोन की खोज ने मानव के सोचने, समझने और व्यवहार करने का तरीका पूरी तरह बदल दिया। स्मार्टफोन में नित नए फीचर जुड़ रहे हैं, नए नए फीचर के कारण स्मार्टफोन का महत्व और उसकी उपयोगिता बढ़ती ही जा रही है। सेल्फी स्मार्टफोन का एक फीचर है, फीचर मतलब विशेषता, खूबी है। मोबाइल फोन के चमत्कारी विकास के बाद शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो सेल्फी शब्द से परिचित न हो। बच्चे बूढ़े जवान युवक युवतियां सभी में इसका आकर्षण बहुत तेजी से बढ़ा है। यानी चाहे बच्चा है, बूढ़ा है या जवान है, सभी लोग सेल्फी लेना पसंद करते हैं। मौका मिलने पर प्रत्येक व्यक्ति सेल्फी ले ही लेता है। मोबाइल फोन के सामने वाले कैमरे से खुद की अथवा पूरे समूह की फोटो खींचना सेल्फी कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, सेल्फी का परिचय दिया। अब दूसरे मुद्दे को ध्यान में रखेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा और तीसरा मुद्दा, सेल्फी का प्रभाव यानी उसकी लोकप्रियता, सेल्फी से लाभ और हानि, उसी पे पूरा निबंध निर्भर करेगा आपका। युवा वर्ग यानी नौजवानों में सेल्फी लेने के पीछे पागल से हो गए हैं। सेल्फी केवल ऐसे फोन से ही ली जा सकती है जिसमें आगे कैमरा लगा हो। सेल्फी शब्द की शुरुआत सन 2002 में हुई। ग्रुप में ली गई सेल्फी को ग्रुपी भी कहा जाता है। अब दो तरह सेल्फी ली जाती है, एक तो अकेले की और एक ग्रुप में। तो ग्रुप में जो सेल्फी ली जाती है उसे ग्रुपी कहते हैं। लोगों में अपनी फोटो स्वयं से खींचने की होड़ सी लगी हुई है, प्रतियोगिता होती रहती है। लोग जल्दी जल्दी फटाफट अपनी फोटो खींचते हैं, कहीं पर गए हुए हैं किसी इवेंट में, फोटो खींचेंगे और तुरंत उसे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, सब जगह डालने लगते हैं। यह एक प्रतियोगिता सी हो गई है। इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि 2013 में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, जो कि विश्व की सम्मानित डिक्शनरी में से एक है, डिक्शनरी द्वारा सेल्फी शब्द को वर्ष का शब्द घोषित किया गया। अर्थात पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा सेल्फी शब्द का प्रयोग हुआ। इस कारण से 2013 वर्ष में सेल्फी शब्द को वर्ष का शब्द घोषित किया।
सेल्फी लेने का आकर्षण लोगों में इतना बढ़ गया है कि डॉक्टर इसे बीमारी का नाम देने लगे हैं। यहाँ पे हम लोग प्रभाव को लिख रहे हैं, उसकी लोकप्रियता को। नव युवक तथा नव युवतियों में, यानी लड़के और लड़कियों में, नौजवान लड़कों और लड़कियों में सेल्फी का चस्का इस कदर बढ़ गया है, चस्का मतलब आदत, कि सेल्फी लेते समय वे आने वाले खतरों को नज़रअंदाज करते हैं, अनदेखा कर देते हैं। सेल्फी की दीवानगी दुनिया भर में है। बड़े बड़े व्यापारी, नेता, उद्योगपति भी सेल्फी के प्रभाव से अछूते नहीं हैं। यानी जहां पर बड़े बड़े व्यापारी मिलते हैं, नेता मिलते हैं, उद्योगपति मिलते हैं, वे लोग भी सेल्फी ले लिया करते हैं। वे जहां पर एकत्र होते हैं, जमा होते हैं, वहां की स्मृति अर्थात यादें बनाए रखने के लिए सेल्फी लेते हैं। सेल्फी के शौक को रोमांचकारी बनाने के लिए लोग खतरनाक स्टंट करते हुए फोटो खींचते अथवा खिंचवाते हैं। यह तो आप देखते ही होंगे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पे। चलती ट्रेन के आगे, ट्रेन के डिब्बे पर लटकते हुए, नदी के तेज बहाव आदि स्थानों पर लोग सेल्फी लेने से नहीं चूकते। तो ऐसी खतरनाक जगहों पे स्टंट करते हुए लोग फोटो लेते हैं, सेल्फी लेते हैं। यह सेल्फी की लोकप्रियता ही है कि कोई मौका लोग छोड़ना नहीं चाहते। सेल्फी लेने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ती, यह उसकी खूबी है। व्यक्ति अकेले होने पर भी अपनी स्मृति को सेल्फी के द्वारा कैद कर सकता है। यानी आप अकेले भी हैं तो आपको निराश नहीं होना है कि आपकी फ़ोटो कौन लेगा, कौन खींचेगा। आप अपने मोबाइल से, मोबाइल के सामने वाले कैमरे से अपनी सेल्फी, अपनी फ़ोटो खुद खींच सकते हैं। सेल्फी से लोग अपने अतीत की स्मृतियों को ताज़ा रखते हैं, यह उसका लाभ हम लोग लिख रहे हैं। उसकी विशेषता है, उसका लाभ यह हमें मिलता है कि फ़ोटो खींचने के लिए हमें किसी दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है। हम खुद से ही अपनी फ़ोटो खींच सकते हैं और अपनी यादों को हमेशा कैद करके रख सकते हैं। और सेल्फी लेने का लाभ यह भी है कि हम अपनी पुरानी यादों को, जब हम अकेले थे, कोई फ़ोटो खींचने वाला नहीं था, हम अपनी यादों को समेट कर रख सकते हैं, जब ज़रूरत पड़े उसे देख सकते हैं। स्मृति मतलब यादें। इसके कारण लोगों के आपसी संबंध प्रगाढ़ होते हैं। सेल्फी लेने से हम एक दूसरे के करीब आते हैं और वहाँ पे हम नज़दीकियाँ महसूस करते हैं। प्रगाढ़ होना यानी मजबूत होना। सेल्फी के माध्यम से कर्मचारी अधिकारी अपनी वास्तविक स्थिति से अपने उच्च अधिकारी को परिचित करवा देते हैं। जैसे आपके अधिकारी ने कहीं पर आपको भेजा है और वहाँ पहुँचे हैं, इसका प्रमाण देने के लिए आप वहाँ खड़े होकर के बोर्ड के सामने आप अपनी एक सेल्फी खींचकर अपने अधिकारी को भेज दीजिए। अधिकारी को, उच्च अधिकारी को पता चल जाएगा कि हाँ, वास्तव में आप जो हैं वहाँ पर गए हुए हैं। इस तरह से अभी इसका लाभ है। सेल्फी की सहायता से लोग अपने जीवन में अधिक क्षणों को फोटो में कैद कर पाते हैं। पहले सेल्फी नहीं था तो फ़ोटो खींचने के लिए, मोबाइल चलाने के लिए एक व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती थी। सेल्फी होने से आप अपनी फ़ोटो जो हैं, अपने परिवार के लोगों की फ़ोटो संभाल कर रख सकते हैं, उसको कैद कर पाते हैं। यह सेल्फी से होने वाला लाभ है। अब सेल्फी से क्या नुकसान उठाना पड़ रहा है उसको भी देखते हैं। प्रत्येक सिक्के के दो पहलू होते हैं। आप जानते हैं कि कोई सिक्का है, क्वाइन है, उसमें हेड और टेल दो भाग होते हैं, दो पक्ष होते हैं। सेल्फी से लोगों को लाभ तो है किंतु इससे हानि भी होती है, नुकसान भी उठाना पड़ता है। सेल्फी के कारण दुनिया भर में कई लोगों की जान चली गई है, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी है। यह मैं नहीं कर रहा हूँ, यह आंकड़े हैं सरकार के। सेल्फी से हुई मौतों में भारत का प्रमाण सबसे अधिक है, अर्थात भारत के लोग सेल्फी लेने के चक्कर में ज़्यादा मृत्यु को प्राप्त हुए हैं पूरी दुनिया के मुकाबले। सेल्फी के प्रति अत्यधिक दीवानगी व्यक्ति को मानसिक रूप से बीमार बना सकती है। अधिक सेल्फी लेने से लोग सेल्फी एल्बो अथवा सेल्फी सिंड्रोम नामक बीमारी के शिकार होते हैं। यानी अगर आप सेल्फी अधिक लेने के आदती हैं तो आपको होशियार हो जाना चाहिए।
आपको सेल्फी एल्बो या सेल्फी सिंड्रोम नामक बीमारी हो सकती है। सेल्फी पसंद न किए जाने पर, अभी दोनों क्या है, सेल्फी एल्बो आपकी जो एक किहुनी है हाथ की, वह तकलीफ में आ सकती है, वहाँ दर्द हो सकता है। सेल्फी सिंड्रोम क्या है, सेल्फी सिंड्रोम इसमें आप मानसिक रूप से हमेशा परेशान रहेंगे, उलझन में रहेंगे। सेल्फी पसंद न किए जाने पर लोगों में निराशा की भावना पैदा होती है, मतलब आपने अपनी सेल्फी निकाली, खूब अच्छी सेल्फी है, आपने फेसबुक पे डाली है, लेकिन लोगों ने कमेंट नहीं किया, पसंद कम किया है, ट्विटर पर लोग आपका मजाक बना रहे हैं, ऐसे समय में आपके मन में निराशा की भावना पैदा होती है। असमय लोगों के चेहरे पर झुर्रियाँ आ सकती, यह वैज्ञानिकों और डॉक्टरों का कहना है। और क्या होता है, अब यहाँ पे हम लोग आगे कंक्लूजन करेंगे कि वास्तव में सेल्फी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो देखते हैं क्या है, सेल्फी सही या गलत है। इस प्रश्न का उत्तर पूरी तरह उस व्यक्ति पर निर्भर करता है जो सेल्फी लेता है, फोटो पर नहीं। ध्यान रखिए कि जो व्यक्ति सेल्फी ले रहा है वह कितनी सेल्फी दिन भर में ले रहा है, क्या बार बार हर जगह जाता है तो उसकी सेल्फी लेता रहता है, वहाँ सेल्फी लेता रहता है, यह उस व्यक्ति की के ऊपर है। अगर वह अधिक फोटो खींच रहा है तो सेल्फी लेना गलत है, अगर वह कम ले रहा है तो सेल्फी लेना सही है। फोटो पे नहीं, सेल्फी में कोई बुराई नहीं है, सेल्फी लेने में कोई बुराई नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन आपके ऊपर निर्भर करता है आप कितनी सेल्फी निकाल रहे हैं। सेल्फी अपने आप में हानि रहित है, अर्थात सेल्फी थोड़ी नुकसान पहुंचाता है, लेकिन कहा गया ना अति सर्वत्र वर्जयत, ज़्यादा अगर आप अधिकता कर देंगे किसी चीज़ में वह नुकसानदायक है। सेल्फी अपने आप में हानि रहित है, परंतु इसके प्रति लोगों का व्यवहार इसे नकारात्मक बना देता है। सेल्फी से हमें कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन लोग इसका उपयोग इतना ज़्यादा करने लगते हैं, गलत तरीके से करते हैं, यह नुकसानदायक बन जाती है। कहा गया है अति सर्वत्र वर्जयत, अर्थात किसी चीज़ की अति करना, अधिकता करना नुकसानदायक होता है, हमें अधिकता नहीं करनी चाहिए। यह हम पर निर्भर करता है कि हम सेल्फी को कितना महत्व दे रहे हैं। सेल्फी लेने में कोई बुराई नहीं है और यह गलत भी नहीं है, लेकिन तभी तक जब तक यह सिर्फ शौक है। अगर शौक के रूप में आप सेल्फी लेते हैं, कभी कभी लेते हैं, तो वहाँ पर इस सेल्फी लेना गलत नहीं है, सेल्फी लेने में कोई बुराई नहीं है। जैसे ही सेल्फी का शौक जुनून बन जाए, यह गलत है और ख़तरनाक भी है। लेकिन जब आपका यह शौक सेल्फी लेने का जुनून बन जाता है, अर्थात आप हमेशा सेल्फी लेने के ही चक्कर में पड़े रहते हैं, तब यह गलत है और यह खतरनाक भी है। सेल्फी एक सीमा, सेल्फी एक सीमा तक उचित है। सही बात है कि हर चीज़, खाना ही खाते हैं, बहुत ज़्यादा खाएंगे तो अभी नुकसान करेगा, उचित है। निष्कर्ष यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप को व्यक्त करने, यानी अपने आप को दूसरों के सामने रखने, व्यक्त करने का पूर्ण अधिकार है, परंतु हमें इसकी लत यानी आदत नहीं लगानी चाहिए। इसके अलावा स्वयं की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है। तो सेल्फी लेते समय यह ध्यान रखें कि आप इसके आदती न बने और कुछ ऐसा न करें कि आपकी जान को नुकसान हो जाए। अंत में क्या कहना है, इसलिए हमें सेल्फी का प्रयोग सोच समझकर, सावधानी पूर्वक और एक सीमा तक ही करना चाहिए। सेल्फी का संतुलित उपयोग किया जाए तो यह सही है, अन्यथा सेल्फी लेना गलत है। तो यहाँ पे अंतिम में विचारात्मक निबंधों में आपको अपनी राय, अपना विचार रखना चाहिए, वह सही है या गलत है, लाभदायक है या नुकसानदायक है, आपके अनुसार जो है वह क्या है, वह लिखने पर ही आपको अच्छे अंक मिलते हैं। तो इस तरह से हमारा यह निबंध पूरा हुआ। पूरा विश्वास है कि मेरे इस वीडियो को भी आप सब खूब पसंद करेंगे, आपका ढेर सारा प्यार इसे मिलेगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना न भूलें और दूसरों को शेयर ज़रूर करें। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए,
वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ही कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।